मेरे फादर के फ्रेंड को हार्ट अटैक आ गया था बिकॉज ही गॉट स्टक इन दिस स्कैम. टू कोट सुचिता दलाल, व्हेन आई मेट हिम समटाइम इन जुलाई 2000, आई टू केम अवे विद द इंप्रेशन दैट ही हैज हिज फीट टू मच ऑन द ग्राउंड टू गो द हर्षद मेहता वे. इन फैक्ट अंटिल 25th August 2000, व्हेन द मार्केट्स हिंटेड एट द फर्स्ट साइंस ऑफ ट्रबल, मोस्ट न्यूज़पेपर्स डिड नॉट इवन हैव द फोटोग्राफ ऑफ द ब्रोकर. ये कहानी है ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट स्कैम ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स. ये कहानी है उस आदमी की जिसके मेंटर खुद हर्षद मेहता थे. ये कहानी है केतन पारेख की. केतन पारेख का जन्म हुआ इन अ बिजनेस फैमिली. उनके फादर ने एक अपना स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस एस्टैब्लिश किया था बाय द नेम ऑफ NH सिक्योरिटीज. जैसे जैसे केतन पारेख बड़े होते गए, पहले तो उन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की एंड ही बिकेम अ CA. उसके बाद उन्होंने शुरू किया हिज प्रोफेशनल करियर इन लेट 1980s. शुरुआत कैसे हुई? अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करके. बट ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हर्षद मेहता और इसी चक्कर में उन्होंने हर्षद मेहता की फर्म ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ज्वाइन कर लिया. एंड ही वॉज मेस्मराइज्ड विद हर्षद मेहता कि हर्षद मेहता कैसे काम करते हैं, कैसे वो इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका चार्म क्या है, उनका मैजिक क्या है, हाउ डज ही एनालाइज स्टॉक मार्केट्स, हाउ डज ही चूज स्टॉक्स, कैसे होता है कि जिस स्टॉक को भी हर्षद मेहता चूज करें या छुए भी वो स्टॉक टर्न्स टू गोल्ड. केतन पारेख बिकेम एन अंडरस्टडी ऑफ हर्षद मेहता, जहां पे हर्षद मेहता बन गए उनके मेंटर. कहते हैं कि केतन पारेख एज अ पर्सन वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ज्यादा बात नहीं करते थे, बट उसके बावजूद उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे विद बिजनेसमैन, एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस. फिर आ गया साल 1992. इस साल हो गया पूरा हर्षद मेहता स्कैम बस्ट लेड बाय सुचिता दलाल और बहुत लोगों का सामने आया इस बस में. हर्षद मेहता तो ऑब्वियसली थे ही थे, पूरे स्कैम का नाम हर्षद मेहता स्कैम कर दिया था. फिर SBI आए, कितने बिजनेसमैन आए, कितने बैंक्स आए, कितने पॉलिटिशियन आए, बहुत लोगों का नाम इसमें सामने आया, बट एक आदमी का नाम कहीं भी नहीं था. वो थे केतन पारेख. अब केतन पारेख ने देखा कि हर्षद मेहता का सिस्टम क्या था. उनके पास बैंक रिसीप्ट्स आती थी और उन बैंक रिसीप्ट्स को जब हर्षद मेहता आती थी, ही यूज्ड टू गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फंड्स, भारी भरकम पैसा. वो पैसा हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट्स में डालते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली टू हिज स्टॉक्स. जो उनके पास स्टॉक्स थे उन सबकी प्राइसेस इतनी बढ़ जाती थी बिकॉज इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, इतनी ज्यादा डिमांड हो गई, प्राइसेस बढ़ जाती थी. जैसी हर्षद मेहता के स्टॉक की प्राइस बढ़ती थी, सबसे पहले क्या होता था? मीडिया टेंशन. सब आ जाते थे स्टॉक को देखने के लिए और उस टाइम तो ये हालत थी कि बस हर्षद मेहता ने स्टॉक खरीद लिया है, उसी चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स भर भर के स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे बिकॉज उनकी वो इमेज बन गई थी कि जो स्टॉक के बारे में हर्षद मेहता ने बात कर ली या इन्वेस्ट कर दिया तो भाई वो सोना ही सोना है. और जब हर्षद मेहता के स्टॉक्स इतने मैसिव प्राइस में पहुंचते थे तो ऑफकोर्स प्रॉफिट्स वो साई रीप करते थे. केतन पारेख वांटेड टू डू द सेम थिंग बट ही वांटेड टू पुल ऑफ हर्षद मेहता स्कैम 2.0. उन्होंने हर्षद मेहता की स्ट्रेटजी को लिया बट उसमें काफी ट्वीक्स किए. सबसे पहला ट्वीक, केतन पारेख ना एक बहुत सिंपल लाइफ जीते थे जो मीडिया टेंशन में ना आए. इफ यू टॉक अबाउट हर्षद मेहता, वो एकदम उल्टे थे. हर्षद मेहता को याद हो टाइम कवर में लेक्सस के साथ जो फोटो आई थी. काफी लोग ये बोलते हैं, रिपोर्टर्स ये बोलते हैं और आप हर्षद मेहता की टाइमलाइन स्टडी भी करोगे ना, जब से उनके पास वो लेक्सस आई इतनी स्पॉटलाइट उन पे आ गई, वो पॉलिटिशियन नजर पे आ गई, बिजनेसमैन की नजर पे आ गई, मीडिया हाउस की नजर पे आ गए कि दैट लेक्सस मार्क्ड हिज डाउनफॉल. उसके बाद हर्षद मेहता पे सिचुएशन और खराब होती गई टिल द फाइनल 1992 स्कैम. केतन पारेख ने डिसाइड किया मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है. केतन पारेख उस टाइप के इंसान थे जो इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने मॉडेस्ट हैं, कुछ भी फैंसी चीजें उनके पास नहीं है कि कोई भी उन्हें देख के ये गैस ही नहीं कर सकता कि वो इतना बड़ा स्कैम पुल ऑफ करने का पोटेंशियल रखते भी हैं. तो केतन पारेख ने हर्षद मेहता से यही सीखा कि अगर बचना है तो कीप अ वेरी लो प्रोफाइल. सेकंड ट्वीक जो केतन पारेख ने हर्षद मेहता की स्ट्रेटजी में किया, हर्षद मेहता क्या करते थे? सिर्फ बैंक रिसीट्स के पैसे उस स्टॉक में डालते थे. केतन पारेख ने बोला कि बैंक से तो मैं पैसे लूंगा ही लूंगा बट उन स्टॉक्स पे मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करूंगा, प्रमोटर्स को इन्वॉल्व करूंगा बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करना ना डिफिकल्ट है, उनका व्यू पॉइंट चेंज होता रहता है, वो इतने मासेस में. और वहीं पे केतन पारेख ने सोचा कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स को टारगेट किया जाए जैसे स्मॉल ऑडियंस, उनको मैनिपुलेट करना ज्यादा इजी है और जब ये पैसा और डालेंगे स्टॉक में तो स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर जाएगा और रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा इन स्टॉक्स पे और भी ज्यादा आएगा. नेक्स्ट
1992 जब पूरा बस्ट हुआ, पूरी न्यूज सबके सामने आ गई, हर्षद मेहता स्कैम पूरा देश में फैल गया। उस टाइम के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, बीएसई में स्क्रूटनी बहुत ज्यादा हो गई, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो केतन पारे को लगा कि इस सिचुएशन बेस्ट क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को साइड हटाओ, हम ट्रेड करेंगे कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज में। और जब वो स्टॉक्स चूज करते थे कि कौन से स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उनके चार सिंपल रूल्स होते थे। सबसे पहला, वो बिजनेस शुड बी स्मॉल, ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए, छोटा बिजनेस चाहिए, मैनिपुलेशन में इजी होगी। सेकंड, उस कंपनी का मार्केट कैपिटल शुड बी वेरी लो, कम मार्केट कैपिटल होगा कम पैसे लेंगे टू मैनिपुलेट द स्टॉक। थर्ड रूल, उस कंपनी की लो वॉल्यूम होनी चाहिए, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स, उस कंपनी के स्टॉक में नंबर ऑफ ट्रेड्स जो दिन के हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। और फोर्थ रूल, उस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत हाई होने चाहिए। अब ये था टाइम लेट 1990s का। इस टाइम पे अगर आप याद करोगे तो .com बूम शुरू होने वाला था और उसका इफेक्ट ना अब भारत में भी आना शुरू हो गया था। तो इसी चक्कर में केतन पारेख ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू किए इन लो लिक्विडिटी आईटी एंड टेलीकॉम फर्म्स। उन्होंने बेसिकली आइस में इन्वेस्ट किया और ये भी उनके इन्वेस्टमेंट्स के बाद ही सीन उन्होंने बैठा था। आइस मतलब इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट। अब ये देखने के पहले उनके पास कौन से स्टॉक्स खरीदे थे उन्होंने, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो स्टॉक्स को मैनिपुलेट कैसे करते थे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। केतन पारेख की सारी स्ट्रैटेजीज सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की एक वीकनेस को टारगेट करती थी और वो वीकनेस रिटेल इन्वेस्टर्स की है टू गेट रिच क्विक। वो भूख, वो लास्ट उसको मैं बोलूंगा, जैसे ही किसी रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा स्टॉक मिलता है जिसकी प्राइस बहुत कम है और कुछ ही टाइम में वो स्टॉक ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को कभी मिस कर ही नहीं सकते और सीधा का सीधा ऐसे स्टॉक्स में कूद जाते हैं। क्यों? बहुत जल्दी अमीर होना है, इसकी भूख अलग है। तो केतन पारेख की दोनों स्ट्रैटेजीज इसी रिटेल इन्वेस्टर्स की वीकनेस को टारगेट करती है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है पंप एंड डंप। इसमें क्या है, केतन पारेख ये सारे रूल्स यूज करेंगे, उसके हिसाब से एक कंपनी सिलेक्ट करेंगे, उस कंपनी का 20-30% स्टेक खरीद लेंगे। अब जब अचानक से एक कंपनी के इतने सारे स्टॉक्स खरीदे जाएंगे, शेयर प्राइस जाएगी ऊपर, जब एक सस्ते स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, रिटेल इन्वेस्टर्स की टेंशन में आ जाएगा, मीडिया की टेंशन में आ जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स की और टेंशन में आएगा, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे डालेंगे स्टॉक ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और जब स्टॉक काफी ऊपर चला जाता है, उस टाइम पे केतन पारेख अपने सारे स्टॉक्स बेच देते थे, रिटेल इन्वेस्टर्स वही बेकार सस्ता स्टॉक महंगी प्राइस में खरीद के बैठ जाते थे होपिंग कि ऊपर जाएगा, बट वो स्टॉक खत्म। सेकंड स्ट्रेटजी है सर्कुलर ट्रेडिंग। अब सर्कुलर ट्रेडिंग पंप एंड डंप की तरह ही है, बट ये डिस्गाइज्ड है। कैसे, मैं बता रहा हूं। तो इस स्ट्रेटजी में केतन पारेख कभी खुद स्टॉक्स नहीं लेते थे, वो क्या बोलेंगे, वो ट्रेडर ए को बोलेंगे कि ट्रेडर ए आप इतने स्टॉक्स खरीदो इस प्राइस पे। अब वो स्टॉक की वॉल्यूम तो कम है तो उसको कोई खरीदने के लेना है, तो फिर ट्रेडर बी को केतन पारेख बोल देंगे कि आप इसी क्वांटिटी के स्टॉक्स इनको बेच दो। तो आप देख रहे हो सब प्लान ट्रेड्स हो रहे हैं। होता क्या रहेगा, जब बाय सेल के ट्रेड्स दोनों ही एक आदमी ही दलवा रहा है, उस स्टॉक की वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, उस स्टॉक की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। कितने इन्वेस्टर्स जो एक स्टॉक को टारगेट करते हैं कि अगर इसकी वॉल्यूम्स बढ़ गई तो ये अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये करते हैं, वो सब के सब उस स्टॉक में आ जाएंगे, स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी और वहीं पे केतन पारेख सारे स्टॉक्स बेच देंगे, जो इनके नीचे लोग थे उनको कमीशन देंगे और सारा प्रॉफिट केतन पारेख सर की जेब में। बट एक क्वेश्चन बाकी है कि केतन पारेख सर के पास इतने सारे पैसे आए कहां से। जैसे आपको याद होगा, केतन पारेख ने हर्षद मेहता से ये सीखा था कि जिन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना है उन स्टॉक्स में वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो जब पहले वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास गए, उन्होंने रिलाइज किया कि देखो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ना सिर्फ उसी कंपनी में पैसे डालते हैं जिस कंपनी की वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, जिस कंपनी में मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा है। तो केतन पारेख ने यहाँ पे अपनी सर्कुलर ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी यूज की, आर्टिफिशियली वॉल्यूम्स और प्राइसेस को बढ़ाया, मीडिया अटेंशन आई और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने उनके स्टॉक में खुद ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर आते हैं प्रमोटर्स। केतन पारेख वेंट टू द प्रमोटर्स और प्रमोटर्स से ही पैसा रेस किया टू मैनिपुलेट देयर ओन स्टॉक। प्रमोटर्स को सिंपल लगा कि अगर उनकी स्टॉक प्राइसेस ऊपर चढ़ गई, उनकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी, वो अपना कुछ स्टेक हाई प्राइसेस में बेच सकते हैं एंड स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो वो अपने महंगे स्टॉक्स को बैंक में रख सकते हैं एज कोलैटरल और लोन ले सकते हैं। इसको बोलते हैं शेयर प्लेजिंग और प्रमोटर्स का भी इसमें फायदा था तो वो भी मान गए। फिर आता है फाइनल क्वेश्चन कि हर्षद मेहता ने बैंक रिसीट से
पैसे कलेक्ट किए थे, केतन पारेख को भी तो अपने लिए कुछ कॉर्पस कलेक्ट करना था टू इन्वेस्ट, तभी वो कुछ एक्शन ले पाते। तो उन्होंने किस पे खेला, पे ऑर्डर पर। अब पे ऑर्डर जैसे आप देख रहे हो इट्स अ बैंक चेक। तो अगर पहले टाइम में क्या होता था कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो है ना, किसी काम के लिए आप लोन ले रहे हो, आपको किसी काम के लिए एडवांस देना है, तो बैंक क्या करता था आपको पे ऑर्डर देता था, ये बैंक चेक था। और जब आप अपने काम के लिए वो एडवांस देते थे या कुछ भी टोकन मनी देते थे कि चलो डील डन हो गई है, तो जो पैसे ले रहे टोकन मनी, जो पे ऑर्डर ले रहा है, उसको क्या होता था कि देखो यार बैंक का पे ऑर्डर है, मतलब बैंक ने इसका लोन अप्रूव कर दिया है, मतलब क्लीन चिट। अगर कोई पे ऑर्डर का चेक ला रहा है, क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि बैंक से अप्रूव है। अब केतन पारेख ने पे ऑर्डर्स को ही यूज किया। उन्होंने पहले बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए ऑफ MMCB बैंक, और शेयर्स खरीदे इसलिए थे बिकॉज जब वो MMCB बैंक के पास गए एक बहुत बड़े लोन के लिए, उनके पास इन्फ्लुएंस हो ओवर दैट बैंक बिकॉज ही वाज अ मेजर स्टेक होल्डर इन दैट बैंक। लोन उनको ग्रांट हो गया, उनको पे ऑर्डर की स्लिप मिल गई। उस पे ऑर्डर की स्लिप से और अपने MMCB के बैंक के शेयर जो इतनी क्वांटिटी में लिए थे, उनको प्लेज करके कोलैटरल बैंक को देके और लोन सैंक्शन करवा के उन्होंने पैसे डाले HFCL के स्टॉक में, UTI के स्टॉक में। सिचुएशन सर इतनी खराब थी दैट 1.3 मिलियन पे ऑर्डर्स वर इशूड। तो जस्ट इमेजिन किस स्केल पे काम हो रहा था। एंड केतन पारेख ना दो बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते गए थे। सबसे पहला था MMCB बैंक जिनसे उन्होंने सबसे पहला पे ऑर्डर लिया था, उसके बाद था GTB बैंक विच इज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। MMCB बैंक से उन्होंने 800 करोड़ का लोन लिया, GTB बैंक से उन्होंने 100 करोड़ का लोन लिया। एंड जस्ट टू टेल यू इस टाइम पे RBI की पॉलिसी थी कि कोई भी बैंक किसी भी कंपनी को 15 करोड़ से ज्यादा ऊपर लोन दे नहीं सकता। केतन पारेख ने क्या किया था, उन्होंने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ब्राइब किया था। अब ये पार्ट क्लियर हो गया है, अब आते हैं उनके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में जो बहुत फेमसली नोन है एज द K10 स्टॉक्स। अगर आप किसी को जानते हो जो अर्ली 2000 स्टॉक मार्केट्स में एक्टिव था ना, आप उनसे पूछना K10 स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स थे जो उस समय 99% रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते ही होते थे। K10 स्टॉक्स थे सबसे पहला एफटेक इंफोसिस, DSQ सॉफ्टवेयर, ग्लोबल टेलीसिस्टम्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस दैट इज HFCL, देन पेंटा मीडिया ग्राफिक्स ये बहुत फेमस था, सत्यम कंप्यूटर्स, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, SSI, जी टेलीफिल्म्स, प्रीतिश नांदी कम्युनिकेशंस। एंड जस्ट टू शो यू द इन्फ्लुएंस, इन स्टॉक्स पे केतन पारेख के साथ प्रमोटर्स इन्वॉल्व थे। इन स्टॉक्स पे इतनी ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ गई थी, इनकी प्राइसेस इतनी जल्दी शूट अप कर रही थी, इनको इतनी मीडिया अटेंशन मिल गई थी कि अब इन स्टॉक्स पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ गए थे। एंड इन स्टॉक्स ने किस लेवल पे रैली किया है जो अभी तक लोग याद रखते हैं। विजुअल सॉफ्ट जो प्रैक्टिकली अननोन कंपनी थी, कुछ ही टाइम में, कुछ मंथ्स में 625 से हो गई थी 8,488 रुपीस। सोनाटा सॉफ्टवेयर 9 रुपीस का स्टॉक था, कुछ ही महीनों में वो हो गया 2,936 रुपीस। लुक एट द अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जी 30 रुपीस का था, वो हो गया 720 रुपीस। दीज वर द K10 स्टॉक्स, इन पे पूरा एक हल्ला अलग ही मचा हुआ था। भर भर के रिटेल इन्वेस्टर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दी स्पेसिफिक K10 स्टॉक्स। और आपको पता है अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आज के दिन भी स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, चाहे रूल्स जितने भी स्ट्रिक्ट हो जाना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दे प्ले ऑन द साइकोलॉजी। ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स की वीकनेस है टू गेट रिच क्विक, ये क्या है, ये वीकनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेट है जो आज भी उतना ही कॉमन है। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हाउ बिग इन्वेस्टर्स प्ले देयर साइकोलॉजी गेम, बड़े इन्वेस्टर्स कैसे खेलते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स क्यों हर बार पैसा हारते हैं। आंसर सेम ही है, साइकोलॉजिकल ट्रेड। इसके लिए गोयला का एक पूरा वर्कशॉप है जहां पे मैं आपको समझाता हूं द स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी, केस स्टडीज, फैक्ट्स, टू मेक श्योर कि कभी आप ऐसी चीजों में ना फंसो, टू मेक श्योर दैट यू कम इन द लीग ऑफ बिग इन्वेस्टर्स एंड नॉट इन द लीग ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स हु अनफॉर्चुनेटली लूज मनी। दिस सेशन विल कंप्लीटली ओपन योर माइंड, आप हैरान हो जाओगे कि क्या क्या होता है स्टॉक मार्केट्स में। लिंक ऑफ दिस मास्टर क्लास इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। स्टोरी पे वापस आते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, केतन पारेख सर ने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व कर लिया है, प्रमोटर्स को इन्वॉल्व कर लिया है, बहुत लो स्टैंडर्ड लाइफ जीते थे, किसी नजर में भी नहीं आ रहे, तो ये स्कैम पकड़ा कैसे गया? वेल, अब वही बात करने वाले हैं। ये इतना ब्यूटिफुली क्राफ्टेड स्कैम था बिकॉज केतन पारेख सर, पहली चीज जैसे उनको बताया, लो प्रोफाइल, किसी के सामने आईंस थे, कोई इन पे शक कर ही नहीं सकता। जब लोगों ने उनको पकड़ा तभी भी लोग बिलीव नहीं करते कि केतन पारेख वाज बिहाइंड दिस, वो उस लेवल पे एक लो प्रोफाइल मेंटेन करते थे। सेकंड चीज कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, वो कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज में थे जहां पे रेगुलेशंस ऑलरेडी लूज थी। और थर्ड चीज,
वो अपने नाम पे स्टॉक नहीं लेते थे, ना ही अपने डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स लेते थे। वो लेते थे स्टॉक्स दूसरों के नाम पे, अपने स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू लेते थे। तो आप खुद सोचो कि फंसने का तो फिर कोई चांस है ही नहीं, इनका नाम तो कभी पॉप करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम तब आई जब .com क्राइसिस आया। आपको कहानी के स्टार्ट में याद हो तो मैंने आपको बताया था कि केतन पारेख ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था जब .com बूम आया था इन लेट 1990s। अब टाइम आ गया था 2001-2002 का, जब .com बर्स्ट होता, बिकॉज इस टाइम पे यूएस में छोटी छोटी आईटी कंपनी थी, इंटरनेट कंपनी थी, जो इतनी ओवर वैल्यू हो गई थी और उन सब की प्राइसेस टूट के सीधा जमीन पे आ रही थी। अब जब ये यूएस में हो रहा था, इंडिया में जो बेयर कार्टल था उनको समझ आ गया कि ये है टाइम आईटी स्टॉक्स को शॉर्ट करने का, ये है टाइम आईस स्टॉक्स को शॉर्ट करने का। बेयर कार्टल ने भर भर के केतन पारेख के शेयर्स को शॉर्ट कर दिया। मतलब आसान भाषा में केतन पारेख क्या करते थे, वो स्टॉक की डिमांड बढ़ाते थे ज्यादा पैसे डाल के, बाइंग ऑर्डर डाल के। बेयर कार्टल ने भर भर के सेलिंग शुरू कर दी, और अगर सेलिंग बहुत ज्यादा, डिमांड कम है, शेयर प्राइस को तो नीचे आना ही है। इससे बचने का सोल्यूशन क्या है कि डिमांड और भी ज्यादा बढ़ा दो, केतन पारेख और भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दे इन स्टॉक्स में। पर दिक्कत ये थी कि जिन दो बैंक से केतन पारेख मैनिपुलेट करके अपने पैसे निकालते थे, वो दोनों बैंक MMCB और GTB बैंकरप्सी की कगार में खड़े थे। तो केतन पारेख और शेयर्स बाय नहीं कर पाए, और उनके बिहाफ में जिन स्टॉक ब्रोकर्स ने वो इतनी हैवी क्वांटिटी में शेयर्स होल्ड कर रखे थे केतन पारेख के लिए, वो भी नहीं टिक पाए, उनको बेचने ही पड़े। बिकॉज ऑफ विच इतनी ज्यादा मास सेलिंग हुई, बेयर कार्टल ने भी सेल कर रखा है, उसके बाद केतन पारेख का जो पूरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो था उसको भी पूरा सेल करना पड़ा। उस एक दिन रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस्ट अप टू 2000 करोड़। MMCB बैंक और GTB बैंक की ऐसी हालत हो गई थी कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने डिपॉजिटर्स को वापस पैसे दे पाए। फिर RBI ने उन दोनों बैंक से इंक्वायरी बिठाई, और फिर जाके केतन पारेख स्कैम सबके सामने खुल गया। And it is estimated कि ये स्कैम था of 40,000 crores। You might be thinking, चलो स्कैम हो गया ठीक है, बट इस स्कैम से बहुत लोग इफेक्ट हुए थे। As a matter of fact, मेरे डैड के एक फ्रेंड को इस स्कैम में फंस के एक हार्ट अटैक आया था। This is the entire story. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.